कई लोगों का ऐसा मानना है कि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे तेज गेंदबाजों की जिन्होंने हमारी इस बात को साबित कर दिया है। ऐसे गेंदबाज जिनसे कोहली और सचिन जैसे बल्लेबाज भी कतराते थे। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन से ग्रेट बॉलर्स हैं? अगर हाँ तो वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल सिक्स सेंस को सब्सक्राइब करना न भूलना। नंबर 10, जसप्रीत बुमराह, इंडिया। बुमराह का नाम इस लिस्ट में जोड़ना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्रिकेट पंडितों का ऐसा मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दिग्गज तेज गेंदबाजों की कोई भी लिस्ट बुमराह के बिना पूरी नहीं होगी। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी ही नहीं, एक सच है जो कि बुमराह की गेंदबाजी में हर मैच के बाद देखने को मिलता है। मैच की शुरुआत में स्विंग करनी हो या फिर पारी के अंत में यॉर्कर डालनी हो, बुमराह हर चीज में आगे है। अपने इन्हीं कारनामों के कारण बुमराह का नाम सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है। टेस्ट और T20 दोनों बराबर मैनेज करते हुए बुमराह ये जानते हैं कि हर हाल में जीत कैसे हासिल की जा सकती है। नंबर 9, मिचेल जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया। मिचेल जॉनसन, इनके बारे में लगभग हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी जानता है। बल्लेबाजों का विकेट गिराने से लेकर स्लेजिंग तक हर चीज में जॉनसन आगे थे। इनकी कोहली के साथ हुई नोकझोंक को कोई नहीं भूल सकता। जॉनसन स्पेशल है क्योंकि ये उस मौके पर आए जब दुनिया को लगा कि क्वालिटी तेज गेंदबाज खत्म हो चुके हैं। 2013 में एशेज में वो अपने करियर की पीक पर थे। उन्होंने पूरे एशेज में अपना सिक्का चलाया और लिली और थॉमसन जैसे बल्लेबाजों को आउट किया। आजकल पिच ऐसी नहीं बनाई जाती कि वो पेस जनरेट कर सके, लेकिन ऐसी पिच पर भी जॉनसन का जादू चल जाता था। हालांकि आंकड़ों में जॉनसन कहीं नजर नहीं आते क्योंकि वो कॉन्स्टेंट नहीं थे, लेकिन अगर खौफनाक गेंदबाजों की बात करें तो जॉनसन के बिना बात पूरी नहीं हो सकती। नंबर 8, एलन डोनाल्ड, साउथ अफ्रीका। डोनाल्ड हमारी लिस्ट में एकमात्र गेंदबाज है जो दक्षिणी अफ्रीका से आते हैं। डोनाल्ड के इरा में खेलने वाले बल्लेबाज जानते हैं कि डोनाल्ड डर का दूसरा नाम हुआ करते थे। एक बल्लेबाज जो उनके इरा में खेला था, उसने कहा था कि मैं डोनाल्ड के सामने आने से बेहतर रिटायर हर्ट होना पसंद करूंगा। डोनाल्ड का रनर बहुत साधारण था। वो अपने हाथों की मदद से पेस जनरेट करते थे और डोनाल्ड कलाइयों का इस्तेमाल करने में महारथी थे। गेंद पर कलाइयां घुमानी हो या फिर गेंद को धीमे से फेंकना हो, डोनाल्ड ने लगभग दोनों ही चीजों में ऐसी महारत हासिल की थी कि बड़े से बड़े बल्लेबाज उनके जाल में फंस जाते थे। हालांकि डोनाल्ड अपने पूरे करियर के दौरान जितने ज्यादा शानदार रहे, उनके करियर का अंत भी उतना ही दुखद रहा। उनके करियर के आखिर में वो तरह तरह की चोटों के कारण अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें याद किया जाता है एक ऐसे गेंदबाज के तौर पर जिनकी औसत टेस्ट और एक दिवसीय दोनों में ही 20 से कम थी, यानी कि शानदार थी। नंबर 7, जेफ थॉमसन, ऑस्ट्रेलिया। जैसे भारत के लिए सचिन और सहवाग थे, उसी तरह तेज गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया के पास जेफ थॉमसन और डेनिस लिली थे। लिली के बारे में आप आगे जानेंगे, अभी बात करते हैं थॉमसन की। जेफ का बॉलिंग एक्शन उन्हें पूरी बॉलिंग कम्युनिटी से अलग करता है। वो जिस तरह की गेंदबाजी करते थे, अच्छे अच्छे बल्लेबाज उनके आगे आने से खौफ खाते थे। 1974-75 के एशेज में लिली और जेफ ने अकेले अपने दम पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया था। उस वक्त इंग्लैंड के खेमे में शानदार बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन जेफ के खतरनाक बॉलिंग अटैक के आगे कोई नहीं टिक पाया। कहते हैं एक बॉलर का हाथ देख कर ही पता लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की गेंद फेंकने वाला है, और यही जेफ का राज था कि वो किसी को हाथ ही नहीं पढ़ने देते थे। नंबर 6, शोएब अख्तर, पाकिस्तान। पहले लोग कहते थे कि 21वीं सदी में क्वालिटी तेज गेंदबाज नहीं होंगे, और उसके बाद शोएब अख्तर आए। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अख्तर का करियर बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। अख्तर पहली बार दुनिया की नजरों में आए जब इन्होंने ईडन गार्डन में लगातार भारत के लेजेंड राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को यॉर्कर पर आउट किया। अख्तर ने अपने पूरे करियर में कई बल्लेबाजों को रिटायर्ड हर्ट किया। उनके अपनी तेज गेंदबाजी दिखाने में बहुत मजा आता था, और ये अख्तर ही थे जिन्होंने दुनिया की सबसे तेज गेंद फेंक दी थी। अख्तर की तेज गेंदबाजी इतनी तेज थी, उनका रनर अप उतना ही लंबा। अख्तर बाउंड्री लाइन के पास से आते थे और गेंदबाजी करते थे। अपने आखिरी दिनों में अख्तर की गेंदों को बहुत हिट किया गया, लेकिन उनके गोल्डन पेस में बल्लेबाज गेंदों को छू भी नहीं पाते थे। नंबर 5, एंडी रॉबर्ट्स, वेस्टइंडीज। एंडी रॉबर्ट्स वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की फौज के एक सिपाही थे। उन्हें क्रिकेट फील्ड का सबसे खूंखार गेंदबाज कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबर्ट्स इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे कि उनके सामने खड़ा कोई लेजेंड है या नौसिखिया। उन्हें बस वो पहली गेंद पर आउट चाहिए होता था। आजकल IPL और BBL में धीमी गेंदबाजों का इस्तेमाल होने लगा है। ये एंडी द्वारा ही प्रचलन में लाया गया था। हालांकि उनके पास पेस की कमी नहीं थी, लेकिन वो बल्लेबाजों को धीमी गेंद के चंगुल में फंसाना ज्यादा पसंद करते थे। लोगों को लगता था कि ये तेज गेंदबाज है, तेजी फेंकेंगे, बस वही एंडी का जाल काम आ जाता था। बल्लेबाज बुलेट का इंतजार करते थे और आता था धीमा तीर, और फिर एंडी के खाते में विकेट बढ़ जाता था। नंबर 4, माइकल होल्डिंग, वेस्ट इंडीज।
वेस्टइंडीज जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज पेस बॉलिंग अटैक वाला था, तब माइकल होल्डिंग ही थे जिन्होंने इस अटैक की डोर संभाली थी। इस समय स्पीड नापने के मीटर नहीं हुआ करते थे, वरना माइकल होल्डिंग आज के समय के सबसे तेज गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ देते। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वेस्टइंडीज के पास क्वालिटी तेज गेंदबाजों की एक भीड़ थी, लेकिन माइकल होल्डिंग ने इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बना रखी थी। दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि होल्डिंग के सामने बल्लेबाजी करना मौत के सामने खड़े होने जैसा है। होल्डिंग की गेंदबाजी की सबसे खास बात थी उनकी एक्यूरेसी। यह हर एक तेज गेंदबाज के पास नहीं होती। होल्डिंग जानते थे कि उनके पास पेस है, अगर नियंत्रित कर ली जाए तो राज किया जा सकता है। और उन्होंने किया भी। नंबर 9, डेनिस लिली, ऑस्ट्रेलिया। जेफ थॉम्सन के पॉइंट में आपने डेनिस लिली का नाम भी सुना होगा। आप समझ ही गए होंगे कि ये तेज गेंदबाज इतने खास क्यों हैं, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी दुनिया का दूसरा सबसे खौफनाक गेंदबाज बन जाता है। लिली क्रिकेट में हुए सबसे आक्रामक और उम्दा तेज गेंदबाज है। लिली ने जेफ के साथ मिलकर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बखूबी तहस नहस किया। 13 साल के छोटे से करियर में लिली ने लगभग 355 विकेट लिए। इन्होंने इस दौरान 70 टेस्ट मैच खेले। लिली की औसत बस 23। उन्होंने अपने करियर में 23 विकेट भी लिए। लिली जान अपने पीक पर थे जब कोई भी बल्लेबाज उनके सामने आने से डरता था। लिली का सपना था कि वो एक बार डॉन ब्रैडमैन को आउट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। उस वक्त आईपीएल या बीबीएल जैसा कुछ नहीं था। नंबर 2, वगार यूनिस, पाकिस्तान। तेज गेंदबाज हमेशा बल्लेबाज के सिर पर टारगेट करते हैं, लेकिन यूनिस हमेशा बल्लेबाज के अंगूठे तोड़ने में विश्वास करते थे। पाकिस्तान को तेज गेंदबाजों का देश माना जाता है, और वगार यूनिस ने भी यही साबित किया। यूनिस को क्रिकेट फील्ड में बेस्ट यॉर्कर फेंकने वाले गेंदबाजों के लिए याद किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाउंसर नहीं डालते थे। उनकी सबसे ज्यादा याद की जाने वाली बाउंसर वो है जब उन्होंने सचिन को डाली थी जब वो 16 साल के थे। उस बाउंसर ने सचिन का फेस हिट किया और सचिन के फेस से खून निकलने लगा। वगार जानते थे कि कब यॉर्कर का इस्तेमाल करना है और कब बाउंसर का इस्तेमाल करना है। यूनिस के करियर की शुरुआत में ही मान लिया गया था कि वो दुनिया के दिग्गज तेज गेंदबाजों में गिने जाएंगे, और क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी सच ही साबित हुई। नंबर 1, हैरोल्ड लारवुड, इंग्लैंड। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है हैरोल्ड लारवुड, इंग्लैंड से। इनका नाम आपने शायद पहले ना सुना हो, क्योंकि बहुत ही अंडररेटेड गेंदबाज थे, लेकिन हैरोल्ड दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे। आजकल हम देखते हैं कि दुनिया के लगभग हर गेंदबाज का बॉलिंग करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। वो अपने शरीर का अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं ताकि पेस जनरेट कर सकें। विश्व क्रिकेट में इसकी शुरुआत करने वाले हैरोल्ड ही थे। विश्व क्रिकेट में सबसे पहले उन्होंने ही बॉडी लाइन मैकेनिज्म पर काम करना शुरू किया। लॉरवुड के पहले एशेज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 2 बल्लेबाजों का करियर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उस सीरीज के दौरान दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज माने जाने वाले डॉन ब्रैडमैन को भी हैरोल्ड ने बहुत साधारण कर दिया था। उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन को उस सीरीज में लगभग 4 बार आउट किया। लॉरवुड ने अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर 4 टेस्ट मैच में लगभग 33 विकेट झटके। हालांकि हैरोल्ड को मोस्ट हेटेड क्रिकेटर भी कहा जाता है, वो बहुत अग्रेसिव थे और उन्होंने अपने पहले एशेज में ही हुटिंग करके ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया था, जिसके लिए सीरीज खत्म होने के बाद उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया और उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। उनका करियर वहीं पर खत्म हो गया। ये अगर आगे चलता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ क्रिकेट का हर रिकॉर्ड हैरोल्ड के नाम होता। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज। आप इनमें से किसके फैन है कॉमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनके साथ आपने गली क्रिकेट खेला था।